दिल्ली की जनता किस लिए बेवकूफ है हमें समझ खुद नहीं आ रहा। मुझे बिजली पानी और क्या नाम DTC फ्री, उसमें आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है, आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, ये देखिए। मतलब दिल्ली की जनता का बोलना ये बात, ये चेक करिए और देखिए ये केजरीवाल कितना ढोंगी है। ये ऐसा घटिया आज तक कोई नहीं हुआ है और ना होगा। अभी भी बोल रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को संभल जाओ। वो जो घटियापन कर रहा है वो जिंदगी भर दिल्ली के दिल्ली वासियों को ऐसा नर्क में ले जाएगा जो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी का BJP पर आरोप है कि BJP आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ना चाहती है और 5-5 करोड़ रुपए देकर तोड़ना चाहती है। ऐसा मोदी जी, योगी जी या BJP जो दल है कभी जिंदगी में ऐसे घटिया आदमी को लेंगे नहीं अपनी पार्टी में, ये 110% गारंटी है। और जो नीति मोदी जी ने चलाया अगर केजरीवाल चलाते तो हम क्षम थे क्या, हम मान सकते थे, लेकिन ऐसा घटियापन कोई राजनीतिक नेता ने नहीं किया जितना आम आदमी पार्टी ने किया है। आज जिंदगी में ये जो केजरीवाल बोले या मनीष सिसोदिया जब अपने आप में फंस गए हैं तब ये आरोप लगा रही है, ये ऐसा फंसाना। मैं तो बोल रहा हूँ जितना भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी ने किया है आज तक कांग्रेस भी नहीं किया था उतना। और जो एक समुदाय को देखना, एक समुदाय को गड्ढे में डालना और दारू नशा मैंने नशा में हर जब नौजवान को बहकाना और उसको फंसाना, यही काम है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। आप कह रहे हैं कि सिसोदिया घटिया आदमी है, 100% है। केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सम्मानित करना चाहिए, प्रधानमंत्री को सम्मानित करना, किस चीज़ का सम्मानित करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जिस जो वादा करके तुम आए थे, लोकपाल, सत्यवादी, हरिश्चंद, ड्राइवर, नौकर, बिल्डिंग, मकान, किराया, ये कुछ नहीं लूँगा, बच्चे का कसम खा रहा हूँ, साला सबसे घटिया तो तुमने काम किया है, हम तो बोले कि उससे अच्छा कांग्रेस है, केजरीवाल से अच्छा कांग्रेस है। आज कांग्रेस पूरे मजबूती में होती तो आम आदमी का सरकार जिंदगी में नहीं बनती कांग्रेस या दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम आज वैसे घटिया, मैं बोल तो रहा हूँ ऐसा घटिया आज तक कोई नहीं हुआ है और ना होगा। अभी भी बोल रहा हूँ कि दिल्ली के जनता को संभल जाओ। वो जो घटियापन कर रहा है वो जिंदगी भर दिल्ली के दिल्ली वासियों को ऐसा नर्क में ले जाएगा जो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लंदन बना दी दिल्ली को, लंदन ऐसे बना दिए तो हम तो सब देख रहे हैं, लंदन एक स्कूल बना के पूरा दिल्ली में मॉडल बना रहे हैं। साला सुनिए, दो बूंद खून गिराते हैं, सुनिए हमें आप 2 मिनट का आप बोलिएगा इसके बाद। एक बूंद, मैं बोलता हूँ एक स्कूल बना के पूरा दिल्ली में मॉडल बना रहे कि मैंने ऐसे स्कूल बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया उसने, कौन सा हटू आप बताओ, मोहल्ला क्लिनिक जिसमें कुत्ता सोता है इसके अलावा कोई नहीं बनाया उसने, और कोई इलाज नहीं है वहाँ पे। दिल्ली की जनता किस लिए बेवकूफ है हमें समझ खुद नहीं आ रहा। मुझे बिजली पानी और क्या नाम DTC फ्री, उसमें आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है, आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, ये देखिए। मतलब दिल्ली की जनता का बोलना ये बात, ये चेक करिए और देखिए ये केजरीवाल कितना ढोंगी है। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये जो सिसोदिया मेरे नाम के पीछे लगाया है ये महाराणा प्रताप जी के वंश से आया है और मैं सर कटा लूंगा BJP के पाले में। अरे तो करो ना एक जंग तो तुमने अभी सीलमपुर में कराया था, पूरा हिंदू ही कटवाया था तुमने, कौन सा कर है तुम तो, तुम जब तुम्हारे जैसे गद्दार तो होना नहीं चाहिए, एक गद्दार को पहले अंदर करना चाहिए। आज उसी का निगम पार्षद जेल में है, अमतुल्ला भी है, एक और क्या नाम है तारिक हुसैन अंदर है जेल में, कौन है वो, सब तुम्हारे भड़काए हुए, तुम्हारा आदमी है वो, देखिए एक सेकंड रुक जाइए तब बोलिएगा आराम से, तो उसी का आदमी है। आप बताइए बम बनाना, बंदूक चलाना, गोली करना, अंकित शर्मा को काट काट के नाले में डालना, कौन है ये महाभ्रष्टाचारी है। जिस आदमी ने संस्था चलाया आम आदमी पार्टी का अन्ना हजारे, उसको लात मार के खड्डे में डाला हुआ है, कौन है ये बहुत गद्दार है, एक गद्दार से सावधान रहो, ये श्रीलंका बनने में टाइम नहीं लगेगा और पाकिस्तान बनने में टाइम नहीं लगेगा। कह रहे हैं कि गुजरात से मोदी जी को विदा कर, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो जाए, तुमने वहाँ जो लॉलीपॉप दिया ना, अब सब पंजाब वाले जान रहे क्या कौन सा लॉलीपॉप दिया है गुजरात में, वो किसका है घर, किसका घर है पता है, किसका घर है पता है, वो शेरशाह भगत सिंह का घर है मोदी जी का, वहाँ से जीत जाओगे, तुम्हारा ऐसा दशा होगा जिंदगी में, बहुत राजनीति करना भूल जाओगे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया,
सतेंद्र जैन बहुत बड़ा ईमानदार है, मेरा भक्त है, मेरा हनुमान है, सबसे बड़ा रावण है अंदर है ना पड़ा हुआ, क्यों नहीं निकल रहा, निकाल के दिखाए, निकाल के दिखाए ना। वो कह रहे हैं कि हमें दबाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को, भाजपा दबाना। जो ईमानदार होता है पब्लिक सब पढ़ी लिखी आज के टाइम में, कोई मायका लाल है कोई दबा देगा किसी को, कोई दबा देगा? आप बताइए ना, आप आज मोदी जी को क्यों दे रहे हैं, आप बताइए। मोदी जी में खूबियां होंगी, खूबी है ना, 1947 से लेकर 1914 से लेकर देखिए कितना खूबी हुआ और कितना देश आगे बढ़ा है और कितना विकास हुआ है ये देखिए। भाजपा वाले मांग कर रहे हैं कि सिसोदिया जी को गिरफ्तार करो, क्या लगता है कि 100% गिरफ्तार करेगा, उसको काला पानी का सजा दो, साला बिच्छू कटवाओ उससे, उसको बिच्छू कटवाओ, बड़ा खतरनाक आदमी है वो। तो शिक्षा में काम किया है लोगों के फ्यूचर पे, कौन सा शिक्षा किया है, एक स्कूल बना के मतलब कौन सा शिक्षा, अच्छा अच्छा इनका बेटा इनका बेटी इनका परिवार कौन सा हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं आप बताइए, कौन सा हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, कौन सा बच्चा इनका इसको सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है दिखाइए आप, ये सब झूठापन है ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये आम आदमी पार्टी ही पूरा खानदान साला झूठा है, पूरा झूठा है। जब केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल साहब में तो ईडी और सीबीआई से डरते क्यों, क्यों डरते क्यों हैं, उसका बाप आएगा तो डरेगा नहीं, जो चोरी करेगा डरेगा ना। आज ममता बनर्जी बोले थी, अभी कैसे निकल रहा है, क्या बोलेगा, मेरा पार्टी का आदमी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, हम ये है मोदी जी से चुपचाप आपके मिल गए, मोदी जी हमें नमस्ते कर रहा हूँ, अब मुझे आप कुछ नहीं पता, मुझे माफ कर दीजिए, क्यों पहले तो मोदी को देखते थे भाग जाते थे, मोदी क्या कर लेगा मेरा, खेला हो बे, अब खेला तुम्हारा खेला निकाल देगा मोदी जी, वो भगवान ऐसा है, विष्णु भगवान है, एक चक्र देगा सब रावण राक्षस सब खत्म हो जाओगे, सब खत्म हो जाओगे। सिसोदिया जी ने भाजपा के ऑफर को ठुकरा दिया, कह रहे हैं कि जो ऑफर दिया था भाजपा ठुकरा, तो उसको तो एक मोहल्ला क्लिनिक का कुत्ता नहीं देगा ऑफर, मोदी जी देंगे, कैसे बात करो आप, मोदी जी से बात करो, उनका ऑफर का कोई सबूत है, सबूत तो कह रहे हैं कि दो चार दिन में सबूत, नहीं कुछ नहीं, सबूत जिसको होता है वो पासपोर्ट दिखाता है, ऐसा चीजों में सबूत के साथ में बोलते हैं, बिना सबूत के साथ नहीं बोलना, बिना सबूत के साथ मैं भी कहता हूँ कि आप मुझे मार रहे हैं, प्रूफ चाहिए ना, तो प्रूफ के साथ में कहिए, सब पब्लिक मान लेंगे, यदि आप में काबिलियत है आप ही दे चलिए, मुझे तो देश के लिए अच्छे लोग चाहिए, लेकिन आप में काबिलियत है तो आप चले नहीं, आप में है, आपने पहले कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाद में जो है शीला दीक्षित जी जो 1.5 लाख रुपये ले रही थी वो 3 लाख रुपये ले रहे हैं सैलरी, केजरीवाल जी विधायक जिन जितने थे वो 1.5 लाख जो पहले ले रहे थे 1.25 लाख वो 2.5 लाख रुपये ले रहे हैं, घर नहीं चाहिए घर भी लिए, गाड़ी नहीं चाहिए गाड़ी भी लिए, अब क्या चाहिए इनको। सिसोदिया जी पे जो शराब नीति को लेकर कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं वो, ये ठीक है कि गलत कर रही है? देखिए जब सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, यदि उन्होंने गलत किया तो गलत का भी परिणाम मिलेगा, सही किया तो सही का परिणाम मिलेगा, वो तो कोर्ट फैसला दे देगा, यदि आपने गलत किए तो कुछ नहीं जाना है जेल, नहीं भी गलत किए तो हो सकता है विचाराधीन में जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, आपको डरने का क्या जरूरत है, यदि आपने कह रहे एक ऑफर दे रहा है ऑफर तो प्रूफ कीजिए, फिर पब्लिक मानेंगे नहीं आप सही है बीजेपी गलत है, अभी मेरे नज़र में बीजेपी अच्छे हैं मोदी अच्छे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी तो आरोप लगा रही है भाजपा पे कि हमारे विधायक तोड़ना चाहते हैं और यहाँ पे सरकार गिराना चाहते हैं। देखिए इन्होंने बोल रहे हैं प्रूफ के साथ बोले तब मानेंगे, ये सब गलत है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में लगे हुए, इसलिए अपना बचने के लिए ये चीज़ें बकवास कर रहे हैं बस। ये जो एक पे एक बोतल शराब की फ्री थी, ठीक थी या गलत? देखिए ये बोतल शराब के फ्री थी या गलत थी ये तो इन्होंने जाने, इनका बिजनेस पॉलिसी अच्छा नहीं है, शराब देना, शराब तो एक तो देश में बंद होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, यदि चला ही रहे हैं ठीक है देश चलाना है तो ऐसा रेट करे कि फ्री नहीं, उनको जो है एक पे आधा कर दे रेट, रेट मतलब यदि 500 रुपये है तो 1000 रुपये कर दे, 100 गुना ज़्यादा टैक्स इसी पे कर दे, बाकी चीज़ पे टैक्स कम कर दे हटा दे, यदि इनको अपना नीति बनाना है तो। मैं एक के साथ एक दारू पीती है और जब लोगों के मकान बिकते हैं तब आपकी पत्रकारिता कहाँ जाती है, तब मोदी जी बोलते हैं क्या दारू बेचो यहाँ पे? नहीं बोलते। नहीं यहाँ पर एक के साथ एक दारू मिलती है, लोगों के मकान बिक गए हैं, लोगों के लीवर किडनी खराब हो गए हैं, तो क्या लीवर किडनी को पता होता है मैं हिंदू की हूँ कि मुसलमान की हूँ? बताओ किडनी किसकी होती है, लीवर हिंदू मुसलमान का? आदमी की बॉडी में होता है। तो वो डॉक्टर पूछता है, अरे घर अगर ये दे रहे हैं, ये घर किस किस स्कीम में दे रहे हैं मालूम है? ये समाजवादी पार्टी वाले और ये बहन मायावती वाले, ये हाथी वाले जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जहां तहां हाथी लगा दिए। आपको बताऊं क्या विकास हुआ, नोएडा में घुसते ही हाथी, पार्क में घुसो तो हाथी, चौक में देखो तो हाथी, हाथी स्वतंत्रता सेनानी है हमारे देश का, पता है क्यों? उनका सिंबल था, काशी राम जी बोलते बोलते मर गए भाई साहब, वो शास्त्रों में लिखा है, हम भी मानते हैं गणेश भगवान को, हम भी मानते हैं, तो इसका मतलब दिक्कत बताओ, आप जगह जगह हाथी लगा दोगे? आप शहीद भगत सिंह की फोटो लगाओ,
चंद्रशेखर आजाद की लगाओ, गुरु नानक देव की लगाओ, गुरु गोविंद सिंह की लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अंतिम सवाल अखिलेश यादव को लेकर मैं पूछूंगा, उन्होंने अपने फेसबुक पे एक वीडियो जारी किया है और उसमें एक दंगे की वीडियो है, वो कह रहे हैं कि भाजपा तिरंगा यात्रा की आड़ में ऐसे ही दंगा करवाएगी। देखो भाई साहब, अखिलेश यादव जी बुरा मत मानना, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, आप कभी भी विपक्ष वाले को हम लोगों के मुँह से अपमानित मत कराया करो, वो खाली बैठे हैं अभी। कौन? अखिलेश यादव। वो पिताजी के सगे नहीं है, आप भूल गए वो दिन जब वो माइक छीन रहे थे अपने पिताजी जैसे से करके मंच पे। हमारे देश में माता पिता का सम्मान होता है, उसने भरे मन से अपने पिताजी से ऐसे माइक छीना था, भूल गए ना? तब आपकी पत्रकारिता कहाँ गई? उन्होंने माइक छीना था, और इस देश में इसके पेट में मड़ोल होती है पप्पू के, जब ये जाके अपनी माँ के पैर छूता नरेंद्र मोदी और उससे आशीर्वाद लेकर आता जन्मदिन में, तो ये कहते हैं हम वेस्टर्न कल्चर मारते हैं, हम तो हेलो करते हैं। आप अपनी मम्मी से हेलो करते हो? पैर करने के बाद भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रताप मिलता है। और एक बात बताऊं, और दूध चढ़ाओ शिवलिंग में, हम इनके बाप के नौकर नहीं है जो इनसे पूछ के दूध चढ़ाएंगे, शिवलिंग हमारा, दूध हमारा, भोले हमारा और पैसा मेरा, तेरे बाप के नौकर हैं आमिर खान हम और जितने भी बॉलीवुड गैंग वाले हैं। पप्पू लोगों से पूछ के बोलता है, पप्पू बोले तो राहुल गांधी पूछ के बोलता है कि हर हर महादेव बोलूं, बोले बोलो क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी है, बोले अगले रैली में बोले अल्लाह अकबर बोलना, बोले वहाँ मुस्लिम आबादी है, और जहाँ देखे कि हिंदू आबादी घट गई और मुस्लिम आ गए तो बोलो अल्लाह अकबर, बोले क्यों? बोले हम लोगों की तो पहचान ही यही है, जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। योगी आदित्यनाथ को भी अभी धमकी मिली है 15 अगस्त को लेकर, उनको धमकी मिली है कि उनको बम से उड़ा दिया जाए। किसको धमकी दी भाई साहब? योगी जी को धमकी। दोबारा बोलना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नाम लो, एक बार रुको, एक बार नाम लो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। टोको मत, कैमरा फोड़ने वाला गिरा हूँ मैं, कैमरा फोड़ दूंगा मां कसम, मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा क्योंकि हाथ में तिरंगा है, एक्साइटेड हो जाऊंगा। एक बार नाम लो, बोलो बाबा, बाबा आदित्यनाथ, आदित्यनाथ। एक बार और बोलो बाबा, बाबा योगी आदित्यनाथ। खौफ पैदा होता है नाम लेने से आजकल अपराधियों के मन में, खौफ। अपराधी पहले अपराध करके उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके उत्तर प्रदेश में जाता था, और विपक्ष वाले कहते थे कि कितना मार कर आए हो, बांटो। अब बाबा का खौफ है, माँ पूछती है बेटा घर के बाहर बुलडोजर खड़ा है, पता कर करा गली के बाहर कोई पत्थर तो नहीं चला कर आया, और बच्चे से पूछती है कि अगर तूने पत्थर चलाया तो बता दे मैं हाथ पैर जोड़ के मना लूंगी, बोले क्यों? क्योंकि बाबा का बुलडोजर चलता है पत्थरबाजों के घर में।